मुंब्रा शहर के तमाम मुद्दों को लेकर MIM पार्टी जो है वो आज पैदल मार्च कर रही है ठाणे जिला कलेक्टर ऑफिस तक। जो मुंब्रा शहर के तमाम मुद्दे आप पोस्टर देखेंगे कि जो रिजर्वेशन प्लॉट है और बांध काम है, ऐसे तमाम शहर के जो मुद्दे हैं उनको लेकर तमाम MIM के पार्टी के पदाधिकारी जो है वो आज पैदल मार्च जा रहे हैं। कब मिलेगा, कब मिलेगा मुंब्रा को, एसटीडी को कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा मुंब्रा को, प्लेग्राउंड कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा मुंब्रा को, गार्डन कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए हमारा ये पैदल मार्च शिमला पार्क से लेकर के थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस हेड ऑफिस थाने तक जाने वाला है। हम थाने कमिश्नर से वहाँ मुलाकात करने वाले हैं। क्या क्या मांगे हैं? देखिए कि हमारे शहर में जिस तरीके से सालों से जो सत्ताधारी पार्टी है और जो यहाँ के अधिकारी है, ये दोनों ने मिल करके जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, डेवलपमेंट के नाम पे जो लोगों को झूठा वादा किया है, उसको हम जा करके आज कमिश्नर से मिलने वाले और बोलने वाले। जो जो रिजर्वेशन हमारे शहर के लिए आए, हमारे शहर में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया, हमारे शहर में डेवलपमेंट के नाम पे आज कुछ भी नहीं है। शहर में मुख्य रास्ते पर फुटपाथ तक नहीं है। ये सब मसलों को शहर में शौचालय नहीं, पूरे मुद्दों को लेकर के हम लोग जाने वाले। इन मांगों को लेकर आप कुछ वोट वगैरह का भी रास्ता अख्तियार करने वाले हैं? जी इंशाल्लाह। देखिए कि अभी तक जितने यानी भ्रष्टाचार इस शहर में हुए, आपने देखा होगा कि हमारे शहर में आज जो रिजर्वेशन प्लॉट है, मैंने उसकी डिटेल्स लिखी, हमने उस रिजर्वेशन प्लॉट पे आज यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के जो अध्यक्ष है शमीम खान, वो कब्जा करके बैठे हैं। MLA ने उनको उस पर कब्जा करवाया, खुद हाउसिंग मिनिस्टर रहते हुए वो जगह का हेरफेर करवाया। उसके खिलाफ हम बहुत जल्द कोर्ट जाने वाले हैं। ए सालम भाई, चलो सालम भाई का बुलाना, बुला उनको। क्या बताएंगे आज आप लोगों का पहला मार्च है? देखो मुंब्रा के अंदर जो 14 साल से भ्रष्टाचार अधिकारी और भ्रष्ट नेता की वजह से जो आज मुंब्रा शहर दलदल की तरफ झुक रहा है, उसके लिए हमारे शेख पठान मजलिस की टीम आज मुंब्रा से शिमला पार्क से लेकर थाने कमिश्नर मुख्यालय तक जाएंगे। हमारी जो तकरार है लिखित में पहले से कायदे के ऊपर, हम उनसे कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और मुंब्रा का जो हक है उसे दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है शालम भाई भी हैं, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे, देखिए शहर की हालात जो है, इस शहर की हालात को देखते हुए जो जंगल है वो कचरा है, डेवलपमेंट है। देखो शहर का आप देखिए उधर पे, वो पीछे शहर का डेवलपमेंट है, आप देख लीजिए जिस तरीके से शहर के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ और एक हुआ बना के रखे सोशल मीडिया पे कि हमने बहुत काम, बहुत डेवलपमेंट किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप बताइए कि शहर के अंदर आम का कौन सा बजट हुआ, आमदार के बजट से कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? अगर ये मांगे आपकी नहीं पूरी होती है तो इंशाल्लाह, देखिए अब ये तमाम मांगे हम कमिश्नर के संज्ञान में दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगर कमिश्नर ने हमारी मांग के संज्ञान नहीं लिया तो इंशाल्लाह आगे एक हम और राह अकमी तैयार करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से MIM पार्टी के जो साहब पठान हैं और ये तमाम MIM पार्टी के तरफ से आज कलेक्टर ऑफिस जाया जा रहा है, जो तमाम मुंब्रा शहर की मांगे हैं उसको जो है पूरा करने की मांग की जा रही है, चाहे रिजर्वेशन प्लॉट हो या फिर और भी जो मामले हैं शहर के विकास को लेकर। ये पैदल मार्च शिमला पार्क से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक जो है आज MIM पार्टी की तरफ से निकाला गया है।